गाड़ी लेना है। मेले के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय हमीरपुर के निर्देशन में काफ़ी व्यापक तैयारियां की गई हैं और सभी स्थानों को चिन्हित करके ड्यूटी चार्ट तैयार कर लिया गया है। पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध है। परेड ग्राउंड में आज जैसा आप लोग जानते हैं कि यहाँ रावण दहन का भी प्रोग्राम है और शाम को एक राम बारात भी निकलेंगी, उनके लिए भी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं और किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा। अराजक तत्वों पर हमारी पहले से नज़र है, वो चिन्हित हैं, उनके खिलाफ पाबंदीकरण की कार्रवाई भी की जा चुकी है। इसके साथ हमारी एंटी रोमियो दल भी, एंटी रोमियो स्क्वाड मेले में भ्रमण करती रहेंगी, उनके भी दो स्क्वाड बना दिए गए हैं और किसी भी प्रकार की छेड़खानी इत्यादि नहीं होने दी जाएगी। सादे वस्त्रों में हमारे पुलिस बल तैयार हैं। जो भी मदिरा पान इत्यादि करके, नशे का सेवन करके यदि मेले में व्यवधान उत्पन्न करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परेड ग्राउंड में ही हमारा एक अलग मेला कंट्रोल रूम भी स्थापित हो रहा है और पुलिस सहायता केंद्र भी यहाँ पे स्थापित हो रहा है। इसी के साथ नगरपालिका ये दशहरे मेले का आयोजन करता है और इस दशहरे मेले में दो पुतले बनाए जाते हैं, जिसमें एक रावण का पुतला होता है जिसकी लंबाई लगभग 36 फीट के आसपास होती है और एक मेघनाथ का पुतला होता है जिसकी लंबाई 31 फीट के आसपास होती है और रात्रि के 12 बजे इन पुतलों का दहन होता है। परंपरागत रूप से ये त्यौहार हम सब लोग मनाते चले आ रहे हैं कई दशकों से। पालिका द्वारा प्रकाश की, पंडाल की, सफाई की और पेयजल की संपूर्ण व्यवस्थाएं की जाती हैं और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित होती है उसके लिए हमारा पुलिस प्रशासन और पालिका कर्मचारी यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ पूरे समय तक यहाँ पर रहते हैं और कोई भी बच्चा खो जाता है या किस प्रकार कोई सूचना होती है उसके लिए हमारा पूछताछ केंद्र एक बना हुआ है कि चारों तरफ हमारे लाउड स्पीकर लगे हैं जहाँ पर हम मेले को संचालित करते रहते हैं समय समय पर।